हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है ईवीएस का, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हिंदी में हरित गृह प्रभाव कहते हैं। शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है और बड़े जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा, ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका नाम डिस्कस हुआ था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस से क्या मतलब है। तो ग्रीन हाउस से मतलब ये है कि जो प्लांट को ग्रो करने के लिए कांच के हाउस बनाए जाते हैं, मतलब कांच के घर बनाए जाते हैं, उसमें जो है अंदर प्लांट लगे रहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इनको बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सन की जो रेज़ होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, वो कांच से अंदर पहुंच जाती हैं और जो अंदर का एटमॉस्फेयर होता है उसको वो वार्म रखती हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा वार्म होना ज़रूरी होता है। तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ की जो एयर होती है वो गर्म बनी रहती है, और जो कांच होता है, कांच से अंदर तो जो रेडिएशन होती है सन की वो पहुंच जाती हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिससे फिर जो प्लांट की ग्रोथ में वो हेल्प करती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ग्रीन हाउस का और भी बता सकते हैं कि जैसे कोई कार है, तो कार अगर धूप में खड़ी हुई है तो वो शीशे से अंदर जो हीट पहुंच जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो अंदर गर्म हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं कांच के, जिससे जो है प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो ग्रीन हाउस होते हैं उसी को कंपेयर, मतलब जो अर्थ होती है, अर्थ भी सेम उसी तरीके से ग्रीन हाउस की तरह जो है वो उसको कंपेयर किया गया है, कि अर्थ भी जो है वो हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर में यही होता है कि जो सन की लाइट आती है वो अंदर आती है और फिर उसके बाद जो है बाहर नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? कि जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब धीरे धीरे क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो गैसेस हैं वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित गृह प्रभाव। तो यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। मतलब जो ग्रीन हाउस, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वहाँ पे, मतलब जो पूरा एक लेयर बनी रहती है, वहाँ पे गैसेस रहती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो उन गैसेस का को नाम दिया गया है ग्रीन हाउस गैसेस का, क्योंकि वो ग्रीन हाउस की तरह ही, पूरा अर्थ जो है हमारे ग्रीन हाउस की तरह वर्क करता है, और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो एक कांच के घर की तरह काम करता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, सन की हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस उनको नहीं जाने देती हैं। तो जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो अर्थ की सरफेस है उसमें हीट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक ग्रीन हाउस इज़, जैसे मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ इसके बारे में, एक ग्रीन हाउस इज़ अ हाउस मेड ऑफ ग्लास दैट कैन नॉट बी यूज दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट। मतलब कांच का घर होता है जिसको प्लांट को ग्रो करने के लिए कई एरियाज़ में जो है यूज़ किया जाता है। द सन्स रेडिएशन वार्म द प्लांट एंड द एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस। मतलब जो सन की रेडिएशन है वो प्लांट को वार्म रखती हैं, और जो ग्रीन हाउस के अंदर जो एयर होती है उसको भी वो वार्म रखती हैं। द हीट ट्रैप्ड इनसाइड कांट एस्केप आउट एंड वार्म द ग्रीन हाउस विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब जो हीट है वो कांच का जो ग्लास का जो घर बना हुआ है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है, और वो प्लांट जो ग्रीन हाउस है उसको वार्म रखती है, जो कि एसेंशियल होती है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सेम इसी तरीके सेम इज़ द केस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एट नाइट द हीट इज़ रेडिएट बैक इन टू द एटमोसफियर। मतलब सेम इसी तरीके से अर्थ में क्या होता है कि अर्थ में जब डे टाइम होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट के टाइम में वो जो रेडिएशन होती है वो बैक टू एटमोसफियर, मतलब चली जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जो
रेगिस्तान वाला एरिया होता है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा वार्म रखते हैं। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ पे, जैसे रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है वहाँ पे क्या है, रेत होती है, तो रेत होने की वजह से वो क्या है कि हीट को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ के दिन गर्म ज़्यादा होते हैं और रातें ठंडी ज़्यादा होती हैं। तो ये जो अर्थ, पूरा अर्थ और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, वो इसी तरीके से ग्रीन हाउस की तरह ही बना हुआ है। लेकिन होता क्या जा रहा है कि जो गैसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसमें आगे बताती हूँ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाई द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाई ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, CFC हैं, तो ये गैसें क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर की जो हीट होती है, मतलब जो सन से आई हुई हीट होती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मेन पॉइंट यही है, ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड। मतलब जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती चली जा रही, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ने का रीज़न मेन पॉल्यूशन है, तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्व कर रही है, और हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करने की वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये तो था ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी गैसेस हैं, जैसे अभी बताया मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि 14% है, मीथेन 20%, और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि 6%। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो मेनली जो हैं वो 4 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं और कितने परसेंट में ये एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो वो इनका परसेंटेज दिया हुआ है। इसके बाद कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट से मतलब है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब हरित ग्रह प्रभाव जो है उसके होने के कारण क्या है, किस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो नंबर 1, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जैसे कि मैंने जो पिछला वीडियो था जिसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ग्लोबल वार्मिंग का होना। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये हो गया कि जितनी ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं तो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, तो वो जलते हैं, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बनती जाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग होती है। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, तो वनों की कटाई से भी मतलब यही है कि जैसे जैसे प्लांट जो हैं, वनों की कटाई की जा रही है, क्योंकि लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वनों को काट दिया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और गैसेज बढ़ती जा रही हैं, और टेम्परेचर भी अर्थ का बढ़ता जा रहा है। थर्ड है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से मतलब है जो औद्योगिक कचरा होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे निकला हुआ जो वेस्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वो ग्रीन हाउस गैसेज बन जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जो फर्टिलाइज़र्स एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं उनमें नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी उसका भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ बताया मैंने 6% जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज में इन्वॉल्व होता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में। तो ये तो था ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कि याद रखना है, नाम से ही आप टॉपिक समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव, कि वो मतलब कंपेयर किया गया है ग्रीन हाउस से, जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए एक कांच का घर बनाया जाता है, जिसमें हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है, मतलब ज़रूरी होती है, तो हीट जो है वो वापस नहीं जा पाती और वो कांच के घर के अंदर बनी रहती है, जिससे प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो सेम हमारी ग्रीन हाउस की तरह हमारी जो अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो भी ग्रीन हाउस की तरह वर्क करता है, कि जो एटमॉस्फेयर है वो दिन में हीट को एब्जॉर्व करता है और रात में वो हीट जो है वापस जाती है, लेकिन वो
क्या है कि जितना एब्जॉर्ब करके हीट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को थोड़ा वार्म रखती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यही गैसेस हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही हैं और बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनका लेवल जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो भी बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये तो था ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।